अच्छा ये अब हमारे पास एक दुम्बा आ गया जी। तो ये सारे लाइनर्स आप देख सकते हैं कि ये दुम्बे पड़े हुए हैं और फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल भाई अभी क्या करने लगे? सिरका लगाने लगे। सिरका लगाने की क्या वजह है फैसल भाई? सर एक तो इसका टेस्ट आता है और दूसरी बात ये अच्छी नरम होती है। अच्छा यानी कि इसका टेस्ट आता है दूसरा नरम हो जाती है बोटियां और जो जरासीम वगैरह होते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो भी जरासीम होते हैं गोश्त में वो सारे इस सिरके की वजह से जो है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा इन्हीं दुम्बों की अगर मैं आपको बताऊं तो डिलीवरी भी अवेलेबल है। डिलीवरी के लिए अलग चार्जेस जो हैं वो कह रहे हैं कि इस दुम्बे के लिए नहीं होंगे एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पर आकर भी खा सकते हैं और इवन के उसको घर में भी मंगवा सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो कम अज कम एक दिन पहले जो है अपडेट कर दिया करें। ये बता दें कि ये जो आपने बेसिकली जो ब्लू स्टैम्प्स लगाई हुई है ये ब्लू कलर का मार्क ये क्या चीज होती है? सर हुकूमत की तरफ से अप्रूवल होता है मतलब ये दुम्बा ही है। अच्छा कंफर्मेशन होती है कि ये दुम्बा ही है। तो ये स्टैम्प तो हर कोई नहीं लगा लेता होगा? अच्छा ये भी है। अच्छा अच्छा ये भी है। ठीक है ठीक है। मतलब उसको कंफर्मेशन करने के लिए कि ये दुम्बा ही है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। नमक जो है वो ऊपर जाने लगा जी। अच्छा आपको ये बता दें कि पर केजी जो है इनका 2600 रुपीस चार्जेस हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड के रेफरेंस से आते हैं तो आपको जो है डिस्काउंट के बाद 2500 पर केजी मिलेगा। तो ये डिस्काउंट जो है वो एक महीने के लिए है और ये डिस्काउंट सिर्फ आप डाइन इन नहीं बल्कि आप टेक अवे भी कर सकते हैं। इवन के डिलीवरी भी आप करवा सकते हैं जिसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ आ जाएं क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो ये हमारे पास अब आ गया मसाला जो कि 9 के 9 दुम्बों में लगेगा। शिमवारी का मसाला है, शिमवारी स्पेशल मसाला है। ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि ये 9 के 9 दुम्बों पर जाएगा और ये मसाला इतना रिच होगा क्योंकि इसके अंदर नमक डाल दिया हुआ है, दूसरा सिरका डाल दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है ना आपको रिच टेस्ट आएगा, अंदर तक मसाला जाएगा इसके। जी आप देख सकते हैं कि ये आग जल चुकी है और हमारे जो खड्डे हैं वो तैयार हो रहे हैं जी। क्या बात है। अच्छा मैं इस एरिया में अभी आया ही हूँ तो इतनी जबरदस्त किस्म की हीट है यहाँ पे। यहाँ पर ये भाई की हिम्मत है कि यहाँ पर ये खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट है। ये चेक करें आग लगाने का स्टाइल कितना माशाल्लाह से जबरदस्त है। पंखा रख दिया ताकि जो है उसकी हवा से जल्दी आग लगे। ये है देसी स्टाइल हमारा जुगाड़। यानी कि ये जो आपने लकड़ी डाली हुई है ये अभी जल जल के राख हो जाएगी, छोटे छोटे फिर कोयले बन जाएंगे। कोयले बन जाएंगे। हाँ। इसको थोड़ा निकाल के हल्का सा रखेंगे उसके लिए ताकि वो जले ना। यानी कि अगर देखा जाए तो ये लकड़ी तो जाया हो जाएगी तकरीबन। ओए होए होए। तो ये देख सकते हैं जी कि इतना महंगा ये जो रेट रहता है ना इनका दुम्बे का रेट वो इसलिए ज्यादा नहीं होता। प्राइस की जस्टिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाकी कॉस्ट भी होती हैं। तो ये देखें ट्रेडिशनल है, ऑथेंटिक स्टाइल बनाने का है इनका। ये देखें ये लकड़ी नीचे जा रही है तो आप देख सकते हैं कि ये अब पिस रही है, राख बन रही है इस पंखे की वजह से। अच्छा ये अब फैसल भाई ये डोरी को क्या कर रहे हैं आप? इसके साथ ये बांध रहे हैं। टांगे बांध रहे हैं जी। किस लिए? खड्डे में गिरे ना। अच्छा खड्डे में गिर ना जाए इसकी वजह से जो है डोरी बांधेंगे। ये चेक करें ऊपर तक इसको बांधा जाएगा वो इस वजह से क्योंकि जो दुम्बा होता है ना कुछ गोश्त इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो हड्डी ऊपर ही रह जाती है। तो इतना सॉफ्ट इतना लचकदार टेंडर चिकन हो जाता है मटन हो जाता है इसका के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से डोरी बांधी जा रही है ताकि गोश्त जो है वो ठहरा रहे हड्डियों के साथ और नीचे खड्डे में ना गिर पड़े। ये जब आप देख सकते हैं कि जब हमने डाले थे लकड़ी तो आप कितने ज्यादा लकड़ियां थी और अब ये देखे छोटे छोटे कोयले बन गए हैं इसके। ये हमारे साथ मास्टर शेफ मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि हम 2 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं और इन भाई ने सारी जो है ना प्रिपरेशन की है और अभी 6:45 का टाइम है तो भाई ने सारे प्रिपरेशन किए। तो आप बताएं आगे का क्या प्रोसेस है भैया? सर बस अभी कोयला निकालना है इससे। अच्छा थोड़ा बहुत छोड़ने उसके नीचे ताकि वो हीट रहे। अच्छा अभी हम दुम्बे लगाने वाले हैं 5 मिनट तक इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है ये चेक करें आप दुम्बे आ गए हमारे पास और ये जाने लगे हैं इसके अंदर। ये चेक करें और क्या हीट आ रही है इसमें, बहुत ज्यादा हीट है। इन दोनों भाइयों की ही हिम्मत है कि ये इस हीट में काम कर रहे हैं भाई। इसके ऊपर सफेद सफेद जो लगाया है ये क्या चीज है? चर्बी। अच्छा ये सफेद सफेद सी चर्बी लगाई है ऊपर ताकि जो है ना ये तेल का काम करें। ये देखें बहुत हिम्मत है यार, मैं यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा कि इतनी ज्यादा हीट है इधर। हालांकि काफी ज्यादा कोयले इन्होंने बाहर निकाल दिए आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी इतनी हीट है इसके अंदर कि जलन हो रही है मुझे। ये आप देख सकते हैं कि 6 दुम्बे डाल दिए इसके बाद ये इसको ढक दिया गया। ये चेक करें मिट्टीला और ढकते साथ ही इसके ऊपर मिट्टी लगाने लगे हैं ताकि जो है इसकी साइड्स ये साइड सारी सील हो जाएं और जरा सी भी जो अंदर की हीट है ना वो बाहर ना निकले। ये देखें कितनी जल्दी से काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बंद किया साथ ही इन्होंने मिट्टी लाना शुरू कर दिया। मैं जरा जगह इनकी छोड़ दूं। ये देखें ये चेक करें। अच्छा हाथ से जो है इसका सील करेंगे जी कि जरा सा भी जो है ना हीट बाहर ना निकले। ये देखें
मेहनत वाला काम है भाई, बहुत मेहनत वाला काम है। ये इसके बाद जो है कोयले उठाकर जो साइड पे निकाले थे वो वाले कोयले हमारे जो हैं इसके ऊपर रख रहे हैं ताकि मल्टीपल हीट मिले, नीचे से भी हीट मिले और ऊपर से भी हीट मिले, पूरे तरीके से पक जाए। बाकी तीन दुम्बे हमारे इसके अंदर जाएंगे। बहुत ज्यादा हीट है और मैं कहता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी इन भाइयों की जिन्होंने इतनी गर्मी में यहाँ पर ये काम किया है और आप लोगों के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये जी बाकी निकाल रहे हैं यार। फैसल भाई हिम्मत है यार आपकी, यकीन करें आपको दाद देनी पड़नी है। ये देखें दूसरे खड्डे में डाल दिए थोड़े से कोयले निकाल के। फैसल भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। ये चेक करें हमारे दुम्बे, नौ के नौ दुम्बों को मैरिनेशन भी फैसल भाई ने किया है, ये खड्डे भी फैसल भाई तैयार कर रहे हैं। क्या बात है फैसल भाई, वन मैन आर्मी है। ये चेक कर सकते हैं आप। अब इसको जी ढकेंगे पूरा और इसके भी सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले दिखाया। अच्छा जी ये अब हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इसकी वजह से जो है ना साइड जो है इसकी उतारी जा रही है। ये चेक करें, ये ले गए जी साइड पे और ये हमारे आगे दुम्बे। क्या बात है, चेक करें, ये चेक करें जी। हम इधर 2 बजे के आए हुए हैं और आप टाइम देखें अभी फिलहाल 8 बज गए हैं, तो ये देखें कितनी देर का प्रोसेस था और अब हमारे पास जो है ये दुम्बे रेडी हो गए हैं और एक एक करके निकाल कर अंदर जा रहे हैं। ये हमारे दुम्बे आप चेक कर सकते हैं जी, लाइन वाइज आप दिखा दें कि आपको सारे जितने भी दुम्बे हमने आपको दिखाए थे वो सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। ये चेक करें जरा, ये देखें कितनी सॉफ्ट बोटी है और अंदर तक गली हुई है जी, गर्मा गर्म हमारे पास है, टेंडर है और सारा पका हुआ है। इसको चेक किया था उन्होंने मल्टीपल टाइम्स और अब जाकर हमारे पास ये फुल पका है। यहाँ पर विराट कोहली आउट भी हो गए हैं, ये चेक करें जरा। हाय 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 क्या बात है, गरम गरम है जी, गरम बहुत है, गरम गरम बोटी है। ओए होए जी सर कैसा है, लाजवाब। ये हमारे इन भाई का कमाल है, फैसल भाई का कमाल है, ये जो सुबह से लगे हुए हैं 2 बजे से और रात के 8 बज गए हैं तो तब ये प्रिपेयर हुए हैं जी। और इस तरह ये सर्व किया जाता है जी और ये चावलों जो है ना काबुली पुलाव इनका स्पेशल जो है इस तरह रखते हैं जी और इसके बाद जो है ऊपर गार्निशिंग करते हैं। ये चेक करें, ये